बंदी सिंघा नूं लै के पंजाब दे विच समय समय दे उत्ते सिख जथेबंदियां दे वल्लों उन्हां दी रिहाई दी लई मंग कीती जांदी है। उत्थे ही धर्मी फौजी भी हुण इस हक दे विच आए ने। धर्मी फौजी बलदेव सिंह ने कहा है कि बंदी सिंघा नूं भी रिहा कर देना चाहिए है क्योंकि उन्हां दा भी हक बनता है कि अपने परिवार के नाल अपना समा बतीत करन। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि धर्मी फौजियों के नाल भी इंसाफ होना चाहिए है क्योंकि उन्होंने अपने धर्म की रक्षा करन दे लई बहुत वड्डा बलिदान दिता सी। इस मौके अगे गलबात करते हुए उन्होंने कहना सी कि इस समय पूरे समाज नूं इकट्ठे होण दी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट अज दी आवाज़। का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। मैं सिख धर्मी फौजी एशन का प्रधान बलदेव सिंह गुरदासपुर बोल रहा और धर्मी फौजियों के बाबत आप जी ने बेनती की है। तो धर्मी फौजी उन्होंने कहें कि जिन्होंने धर्म के कौम की खातर जून 1984 अपन पक्या नौकरियां पेनशन वाली जिंदगी के सुख के अरमान छड़ के सिख धर्म के कौम की राखी की उन्होंने आप धर्मी फौजी कहें। की स्थिति सी उस समय जो तुम फैसला लिया कि ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पाया फैसला लैन तो बाद? देखो जी फैसला अहाँ नहीं लिया, फैसले मजबूरी दे विच कई लैने पैंदे ने। जिहड़ी सरकार ही इन्हें मतलब कि भी साढ़े धार्मिक स्थान के उत्ते हमला किया और इत्थे सब तो वड्डी दुख की गल यह है कि सब तो पहला जिहड़ा वा हमले बारी हमले होंदे ही, लेकिन साडी देश की सरकार ने अपनी जन जान माल ते राखी करनी ही उन्हें साडे जिहड़ा है धार्मिक स्थान के उत्ते हमला किया। बाकी उन्हां दी जी नीयत ही नीयत उन्हां दी यही कि धर्म ते कौम नूं खत्म करके इन्होंने एक अपना वखरा ही जिहड़ा है ऐलान करना है कि अपना देश बनाउण दी गल गल कि सानूं एक विदेशियां वाला मतलब कि सानूं जिदा एक विदेशियों नूं मार के बाहर कढ़न वाली गल इत्थों तक स्थिति उस समय आ गई। देखो जी जेकर अजे जून 1984 का फौजी हमला या अजे बंदी सिंह की रिहाई या होर भी कोई इस 84 के विषय के गल आ जाए तो उत्थे इक्को ही बनता सौ हथ रस्सा सिरे ते गंढ। जून 1984 का जिहड़ा तुहां बेनती की मतलब कि जिहड़ा सिख कैदी किदां होए ये बड़ी एक गंभीरता दे नाल मसला लैण वाला पर इहनूं कोई लैंदा नहीं गा ते ना इहनूं कोई हल करन दा क्योंकि ये तिन्नां सरकारां ने रल के कीता। इत्थे मैं स्पष्ट कर देना चाहुंदा इहदा खुलासा क्यों नहीं हुंदा कि तिन्नें सरकारां ने ते तिन्नें सरकारां जिहड़ियां ने वो दागी ने ते इहनां ने इस अपनी जिहड़ी ही गलती इहनूं छुपाउण वास्ते इहनां ने बाद विच टाउटां दे थ्रू फरोतियां दवा के जां औरतां दे नाल गलत व्यवहार करके ते इहनूं अतवाद नाल जोड़ दित्ता। ये जेकर सिख कैदियों का पिछोकड़ वेख्या जाए तो पिछोकड़ वेखण वास्ते पिछे जाना चाहिए फौजी हमले का। फौजी हमले के उत्तों आऊगा कि ये किन्ने किया फिर जाके जिहड़ा वा हुंदा ये जदों इन्हें जून 1984 हमला किया वा तो उस समय ये जिहड़ा ही अलग अलग प्रकार के जिहड़े ही जिहड़े अणखी सिख ही उन्होंने ठेस पहुँची। हुण जिवें असीं साडी जथेबंदी आ धर्मी फौजी हाँ इन्हों के मन में ठेस पहुँची तो फिर इन्हें बैरक छड़िया अनेक फौजी ने जिन्हें बैरक नहीं छड़िया असी तो जी धर्मी फौजी फौज चो बैरक छड़ के आ गए लोग इतों सिविल के नहीं गए दरबार साहब वाल बहुते इस करके जिन्हों के मन के दर्द ही जिन्होंने धर्म के कौम का दर्द ही उन्होंने मतलब भी जड़िया बैरक छड़ के जाने किसी प्रकार का विरोध किया उन्होंने फिर सजावं हुई तो वो करके बंदी सिंह हुए ने। पर वो बंदी सिंघा नूं हुण इन्हां ने अतवाद नाल जोड़ के बदनाम करके जेलां दे विच सुट्टिया और इत्थे मैं अपील करदा कि जिहड़ी इस वेले सिख कौम वा बंदी सिंघां दे रिहाई वास्ते एक प्लेटफार्म ते एकत्र होवे और इहदा जिहड़ा सौ हथ रथा सिरे ते गंढ जिहड़ी आ इहनां कोल 84 दा खुलासा जद तक नहीं हुंदा तब तक सिख कैदियां दी रिहाई दा और सिख कौम दे उत्ते हमले जिहड़े ने ये जारी रहणगे।